यीशु दुष्ट आत्मा ले पीड़ित मनसे ला और एक झन बीमार नारी ला चंगा करते। यीशु और ओकर चेला मन अपन डोंगा में चढ़ के उ क्षेत्र में गिन जोन करा गिरासेनी मन से रहत रहिन। वो मन उ क्षेत्र में पहुँच के डोंगा ले उतर गिन। ओकरा एक झन मनसे रहिस जोन दुष्ट आत्मा ले पीड़ित रहिस। इ मन से अतकी बलशाली रहिस कि कोनो घोले ओला काबू मा नी करे सकत रहिन। इकर बर मनसे मन हर ओकर हाथ और गोड़ मनला सिकला मन ले बांधिन, लेकिन ओहर ओ मनला टोर देत रहिस। उ मन से उ क्षेत्र के कबर मन मा रहत रहिस। इ मन से दिन भर और रात भर नरियाय करत रहिस। ओहर कपड़ा नी पिंधत रहिस और अक्सर अपन आपला पथरा ले घायल करत रहिस। जैसने ई मनसे हर ईसूला देखिस तो ओहर दौड़ के ओकर ठिगिस और ओकर आघू मा घुटना टेक दिस। तब ईसू हर उ मनसे के भीतर मा जोन दुष्ट आत्मा रहिस ओकर ले कहिस, ई मनसे मा ले बाहर निकरा। उ दुष्ट आत्मा जोर ले नरियाइस, हे ईसु परम प्रधान परमेश्वर के बेटा, तोर मोर ले का काम, कृपा करके मोला नी सता। तहां ईसु हर उ दुष्ट आत्मा ले पूछिस, तोर नाम काय? ओहर उत्तर दिस, मोर नाम सेनाए, काबर के हमन बने छन। रोमी सेना मा कई हजार सैनिक मन के एक ठन दल सेना होत रहिन। उ दुष्ट आत्मा मन हर ईसु ले विनती करिन, कृपा करके हमला इ क्षेत्र ले बाहर निभेज। उ लखठा के पहाड़ मा सुरा मन के एक ठन गुहड़ी चरत रहिन। इकर बर उ दुष्ट आत्मा मन हर ईसु ले विनती करिन, कृपा करके हमला उ सुरा मन मा भेज दे। ईसु हर कहिस, ठीक है, उमा चले जावा। इकर बर उ दुष्ट आत्मा मन उ मनसे माले निकर के उ सुरा मन मा प्रवेश कर लीन। उ सुरा मन दौड़ के एक ठन टीला के ऊपर जाके झील मा कूद गिन और डूब मरिन। उ झुंड मा लगभग 2000 सुरा रहिन। ओकरा उ सुरा मन के देखभाल करे वाला मनसे रहिन जोन कुछ होय रहिस। जब ओ मन हर देखिन तो ओ मन नगर ला भाग गिन। ईसु हर जोन कुछ करे रहिस ओकरा ओ मन हर सब ला बताइन। उ नगर के मन से निकर आइन और उ मनसे ला देखिन जोन मा दुष्ट आत्मा मन रहिन। उ शांति ले कपड़ा पिंधे और एक जन सामान्य मनसे के जैसन व्यवहार करत बैठे रहिस। उ मनसे बनेच डर गे रहिन और ओ मन ईसु ला चले जाए बर कहिन। इकर बर ईसु डोंगा मा चढ़ गिस। उ मनसे जोन मा दुष्ट आत्मा मन रहिन ओहर ईसु के संग जाए बर विनती करिस, लेकिन ईसु हर ओला कहिस, नी, मैं चाहत हूँ कि तैं घर जाके सब ला बता कि परमेश्वर हर तोर बर का करिस है। ओ मन ला बता कि कैसने परमेश्वर हर तोर ऊपर दया करे है। इकर बर उ मनसे चले गिन और सब ला उ काम के विषय मा बताइस जोन ईसु हर ओकर बर करे रहिस। ओकर कथा ला सुने वाला हर एक मन से चकित हो जात रहिन। ईसु झील के दूसर रंग लौट आइस। ओकर ओकरा पहुँचे के बाद एक ठन बड़खा भीड़ ओकर ठी जमा होइस और ओला दबाए लागिस। उ भीड़ मा एक झन नारी रहिस जोन 12 बछर ले लहू बहे के समस्या ले पीड़ित रहिस। उ अपन सारा धन वैद्य मन मा लगा दे रहिस ताकि ओमन ओला चंगा कर सकें, लेकिन ओकर बीमारी और घोले बिगड़ गे रहिस। ओहर सुने रहिस कि ईसु हर कई बीमार मन से मल्ला चंगा करे रहिस और ओहर सोचिस, मैं निश्चिंत हूँ कि अगर मैं मात्र ईसु के कपड़ा चला छू लौं तो मैं घले चंगा हो जहाँ। इकर बर उ ईसु के पाछू ले आइस और ओकर कपड़ा ला छू लिस। जैसने ओहर ओला छुईस ओकर लहू के बहाव बंद हो गिस।
तुरतेच यीशु हर जान लिस कि ओकर ले सामर्थ निकरे हे। इकर बर ओहर पाछू मुड़ के पूछिस, मोला कोने छुईस? चेला मन हर उत्तर दिन, इकरा अतकी मन से हर तोर चारों अंग भीड़ लगाए हैं और तोला ढकेलत हैं, तते काबर पूछे कि मोला कोने छुई से। उ नारी यीशु के आगू कांपत और बनेच डरत अपन घुटना मनमा बैठ गिस। तहां ओहर ओला बता दिस कि ओहर का करे रहिस और ई घोले कि ओहर चंगा हो गे रहिस। यीशु हर ओकर ले कहिस, तोर विश्वासेच हर तोला चंगा करी से, शांति ले जा। मती अध्याय 8:28-34, 9:20-22, मरकुस अध्याय 5:1-20, 5:24-34, लुका 8:26-39, 8:42-48 ले बाइबिल के एक ठन कथा।